बोरीवली पश्चिम सोडावाला लेन स्थित मुंबई कांग्रेस सीनियर सिटीजन के अध्यक्ष मनमोहन गुप्ता के निवास स्थान पर मुंबई कांग्रेस महिला अध्यक्ष अजंता यादव का स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। स्वागत समारोह में ऑल इंडिया एसोसिएशन के मेंबर अशोक सूत्रालय, मुंबई हाईकोर्ट के एडवोकेट श्याम सुंदर तिवारी, मुंबई कांग्रेस सीनियर सिटीजन के अध्यक्ष मनमोहन गुप्ता मौके पर मौजूद रहे। मुंबई कांग्रेस महिला अध्यक्ष अजंता यादव के स्वागत समारोह में अशोक सूत्रालय ने अपने भाषण के दौरान कहा कि कांग्रेस पार्टी भारत की सबसे पुरानी पार्टी है और उसने भारत की स्वतंत्रता में महत्वपूर्ण योगदान निभाया है। एडवोकेट श्याम सुंदर तिवारी ने भी मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि अजंता यादव को जो जिम्मेदारी कांग्रेस की तरफ से मिली है वह उसे पूरा करेंगी। मुंबई कांग्रेस के सीनियर सिटीजन अध्यक्ष मनमोहन गुप्ता ने भी मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि अजंता यादव को मुंबई कांग्रेस महिला अध्यक्ष बनाया गया और मुझे पूरा विश्वास है कि वह अपने कर्तव्यों की निर्वाह बहुत ही जिम्मेदारी के साथ निभाएंगी। मुंबई कांग्रेस महिला अध्यक्ष अजंता यादव ने भी मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि जो मुझे जिम्मेदारी दी गई है मैं उसे किसी भी हाल में निभाऊंगी और उन्होंने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि कांग्रेस की छवि को बेहतर बनाना हम सबकी जिम्मेदारी है। मुंबई कांग्रेस पार्टी के सदस्यों ने भी मीडिया से अपनी बात रखते हुए कहा कि अजंता यादव को मुंबई कांग्रेस महिला अध्यक्ष बनाए जाने को लेकर हम सब बहुत उत्साहित हैं। कांग्रेस की सरकार ने क्या क्या दिया है और क्या क्या देगी, ये वादे इरादे तो बाद में जाने जाएंगे, लेकिन फिलहाल हम सभी महिला हमारी मुंबई अध्यक्ष अजंता यादव जी के नेतृत्व में काम करके जरूर वो जीत हासिल करेगी जो हमने 2002 में किया था। और वापस तहे दिल से कांग्रेस फिर से धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय वीर। आदरणीय सूत्रालय जी साहब, हमारी बहुत ही लाडली डॉक्टर अजंता यादव जी जो हमारी मुंबई अध्यक्ष बन चुकी है और इनको बनाने में शायद हम सब के लिए बहुत देर हो गई। अगर बहुत पहले बनती तो और हमारे महिलाओं का संगठन बहुत मजबूत रहता था। नमस्ते सभी मान्यवरों को और सभी उपस्थित मेहमानों को। आज अजंता जी महिला कांग्रेस की अध्यक्ष होने पर मनमोहन गुप्ता जी सर ने जो उनका स्वागत का समारंभ रखा है उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं उनका।
और हमारे जिला अध्यक्ष जो इस संचालन को कर रहे प्लस मनमोहन जी गुप्ता जी के जो मैडम स्नेहलता गुप्ता जी है हम उनका भी स्वागत करते हैं। उन्होंने हमारी महिला अध्यक्ष के साथ मंच शेयर करके हमें बहुत बहुत खुशी हो रही। धन्यवाद। यहाँ सबसे पहले मैं अपने जिला अध्यक्ष सुत्रालय जी को नमस्कार करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ हमारे गुप्ता जी का जिन्होंने हमें यहाँ बुलाया, स्नेहलता मैडम जी का जो हमें यहाँ पे बुला करके हम लोगों को स्नेह दी। और इसके अलावा सबसे ज़्यादा अगर मैं दिल से किसी का स्वागत करना चाहती हूँ तो हमारी मैडम अजंता यादव जी को, और मैं चाहती हूँ एक बार आपको जोर से उनके लिए तालियां बजाएं। अजंता यादव जी जिला अध्यक्ष हैं, थी नगर सेवक, दो बार रह चुकी हूँ और उसके अलावा आज वो मुंबई अध्यक्ष बन चुकी हूँ जो सारी हम महिलाओं के लिए बहुत ही गौरव की बात है। आज एक साल पहले मैं भी नगर सेवक के इलेक्शन के लिए खड़े होने का ट्राई की थी पर किसी कारणवश नहीं हो पाया। थोड़ा सा मन में मलाल था कि अच्छा नहीं हुआ मेरे साथ, लेकिन आज से एक महीना पहले 20 फरवरी को जिस दिन हमारे संजय निरुपम जी ने हमारी मैडम को मुंबई अध्यक्ष बनाए मुझे सबसे ज़्यादा खुशी हुआ और फख्र हुआ कि भले मुझे टिकट नहीं मिला मगर इनको मुंबई अध्यक्ष बना दिया गया। अब हमारे मुंबई की दशा पलटी होगी और मुंबई हमारी महिलाओं के लिए बहुत ही मजबूत रूप से सामने आएगी। अब एक एक महिला जो घरेलू महिला थी या जो सर्विस वाली महिला थी या जो गरीब तहके की महिला थी, हर तरह की महिलाएं इनके साथ तो जरूर जुड़ेंगी। ये मेरे पर्सनल हमारे जो मैं इनको जितना जानती हूँ क्योंकि ये हमारी कांग्रेस की ताई के साथ साथ में हमारी गुरु हैं। मैंने इनको गुरु पूर्णिमा के दिन इनको गुरु माना है और उनको वो सत्कार दिया है और मैं चाहती हूँ कि इनका साया और इनका साथ हमेशा मेरे साथ रहे। और यहाँ बैठे हुए उपस्थित सारे भाइयों को मैं प्रणाम करती हूँ। कैमरा पर्सन चांदनी साथ के साथ अनिश कुमार उपाध्याय, मेट्रो मुंबई।